वंदे मातरम दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजय कांत। सूरत की फर्जी रसीद का पर्दाफाश। जी हां, सूरत में फर्जी रसीद का पर्दाफाश हो गया। और बात यूं है कि सूरत के दो पुलिसकर्मी ये गंदा काम खेल रहे थे, जो फर्जी रसीद का घोटाला कर रहे थे। शर्मनाक बातें होती है जब कोई संविधान का रक्षक संविधान का भक्षक बन जाए, जनता के साथ गंदा खेल खेले। उस समय जनता के लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ही पुलिस प्रशासन के दो कर्मचारी जो संविधान की गरिमा को गिराते हुए, जनतंत्र की मर्यादा को भंग करते हुए अपने ही लोगों को लूटने का कार्य, वो भी नकली पर्ची बनाकर शुरू कर दिया। जी हां, बात कुछ ऐसी है कि सूरत के कपोदरा थाने में अपराध की सूचना मिली कि कपोदरा में ड्यूटी पर तैनात एक आरक्षक व एक यातायात परिचालक फर्जी रसीदें फाड़ कर घोटाले में लिप्त है। ऐसे रक्षक बन गए भक्षक। जब बड़े अधिकारियों ने आरक्षक के घर पर तलाशी ली तो बहुत सारे फर्जी रसीद पाए गए और उन्हें बड़े अधिकारियों ने गिरफ्तार कर कपोदरा भी थाने लिया। यह वाक्या तब हुआ जब एक बस चालक को नकली रसीद दी गई। बस चालक को फर्जी रसीद देने से जुड़ा घोटाला सामने आखिर आ ही गया और इनके गुनाहों का भंडाफोड़ हुआ और उन्हें उनकी जगह पर पहुंचा दिया गया। अगर यूं ही पुलिस प्रशासन में भ्रष्ट कर्मचारी रहेंगे तो निश्चय देश का विकास नहीं हो सकता। आज पुलिस प्रशासन जनता के हर ढंग से लूटने जैसे काम को कर रही है। लगता है ऐसे कि जनता उनके साथ कोई व्यवहार ही नहीं। जनता की रक्षा की बात सोचे तो पुलिस प्रशासन के प्रति लोगों का रवैया संवेदनात्मक भावनात्मक तब होगा जब पुलिस प्रशासन भी उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करे। किंतु पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी वर्दी का धौंस देकर छोटे मोटे व्यापारियों के साथ अन्याय करती है, गलत करती है और उन्हें लूटने का काम करती है। गई काले कापोद्रा पुलिस स्टेशन विस्तार में पुलिस कॉन्स्टेबल ने ड्राइवर द्वारा डुप्लीकेट रसीद बुक द्वारा ट्रावेल्स ना ड्राइवर ने खोटी रसीद आपी अने पैसा लीधेलानो मामलो सामे आव्यो छे। जे बाबते कापोद्रा पुलिस स्टेशनमां गुनो पण नोंधवामां आव्यो छे। आ बनावनी हकीकत एवी छे के ट्राफिकना माणसो ज्यारे एन्फोर्समेंट अने ट्राफिक नियमनની फरज पर हता त्यारे एक ट्रावेल्स ત્યાંથી નીકળતા એને રોકી અને જાહેરનામાનો ભંગ થયેલો હોય તેની પૂછપરછ કરતાં તેણે એક પાવતી બતાવેલી કે મને હજી આ થોડાક સમય પહેલાં તો હું દંડ ભરીને આવેલ છે, ત્યારે એ રસીદ તપાસતા ટ્રાફિકવાળાને આ રસીદ ખોટી હોવાનું જણાયેલ, જેથી એણે ટ્રાફિક શાખામાં તપાસ કરાવતા આવી કોઈ રસીદ બુક ટ્રાફિક શાખામાંથી ટ્રાફિક શાખાને કે પોલીસ સ્ટેશનને ઇસ્યુ ન થયેલ હોવાની જાણકારી મળેલ, જેથી કરી આ ડ્રાઈવરને કંડક્ટરે પૂછતા કે તને આ રસીદ ક્યાંથી આપવામાં આવેલી, તો એણે જણાવેલ કે મને હીરાબાગ ખાતે આપવામાં આવેલી એક રમીશ નામના વ્યક્તિ આ રસીદ બનાવી આપેલ છે, જેથી કરી ટ્રાફિકના એસીપી જેડે શેખ તેમજ અમારા એસીપી એ ડિવિઝન સી કે પટેલના હોય ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ કરતા કાપોદરાની વન મોબાઈલના ડ્રાઈવર અને એના ઓપરેટર દ્વારા આ બોગસ રસીદ દ્વારા પૈસા ઉઘરાવવાનું કાવતરું કરતા હોવાની વિગત સામે આવી અને બંને આરોપીઓને પકડી પાડેલ છે અને તેઓના વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરેલ છે અને આ ગુનાની તપાસ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને સોંપવામાં આવેલ છે। એમના ઘરે પણ સર્ચ કરવામાં આવેલ છે અને ત્યાંથી પણ રસીદ બુકો મળેલી છે અને છેલ્લા 6-8 મહિનાથી આ લોકો આવી રીતે ક્યારેક ક્યારેક બોગસ રસીદ દ્વારા પૈસા ઉઘરાવતા હોવાનું આરોપીએ કબૂલ કરેલ છે। એ બુકોનું હવે ડીસીબી ક્રાઇમ તપાસ કરે છે, એના આધારે પરફેક્ટ માહિતી મળશે, કરી લેવામાં આવી છે। દેખતે રહે સ્ટાર ન્યૂઝ નેટવર્ક ઓર બને રહે હમારે સાથ। જય હિન્દ, જય ભારત।